पहले आप कहाँ से आते थे? पैदल। पैदल, गाड़ी कोई नहीं आती थी। अच्छा, अभी ये रास्ता बना दिया ना? अभी भी ले जाते बंदे डर के मारे इसमें गाड़ी। अच्छा, हाँ रास्ता तो खराब होते हैं। नीचे जेसीबी पलट गई थी। कहाँ पे? रोड निकालते निकालते मशीन ही चल गई नीचे। सुखो मनाओ बंदा बच गया हमारे। आप आराम से चला लेना। नहीं ऐसे तो इतनी नहीं है, रास्ता ठीक ही है ना? ठीक ही है यार, इतना नहीं, अब तो कर दिया ना है थोड़ा साफ। हाँ यहाँ गड्डी नहीं चढ़ती थी पहले, अब चढ़ जाती है। यहाँ से गई थी जेसीबी नीचे, पत्थर ब्रेकर लगा था ना पार। हाँ। तो पत्थर ही छूटा और जेसीबी के उस पे ब्रेकर पे बजा और जेसीबी भी नाले में नीचे। बंदा पत्थरों के नीचे से निकाला, मर गया था बंदा, बच गया। पर अच्छा। डंगा भी दिया मैंने, एक तो हफ्ता पहले आए थे यहाँ, जेसीबी लगाई हुई थी काम करने। अच्छा। टक्कर बहुत थी यहाँ, खत्म की फिर। नहीं तो पैदल आदमी कोई बीमार हो जाता तो फिर वो कैसे पैदल ही ऊपर को उठा के पीठ पर। नहीं इतना आदमी को अकेला उठा लेता था तो? अरे नहीं भाई, कई बार ऐसी पेशेंट भी हो जाता है कि उठा नहीं सकते, जमने वाली लेडीज हो तो उसको कैसे उठाना। हाँ तो फिर बेड पे सुलानी हो, बेड चकना, चार बंदे उन्हें तब ले जाने ऊपर को सड़क को। यार कितना टाइम लगता था सोच लो भी यार, धुआं निकल जाएगा। एक डेढ़ घंटा, एक डेढ़ घंटा ना उसको लेके फिर वापिस। फिर उधर गाड़ी है ना किराए पर, ऊपर किराए पर गाड़ी आती है। फिर हमारा काम बढ़िया है तो आ रहा बहुत अच्छा है भाई, प्लेन में तो बहुत सुविधा है। जाओगे ना गर्मी हमारे यहाँ बंदे देखो कितने परेशान में रहते हैं ना। नहीं जगह तो अच्छी है, जगह अच्छी है, मतलब अगर रोड की सुविधा हो ना तब ठीक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो भाई साथ एरिया है, कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, भाई वहीं मशीनें लगी हुई, कोई फैक्ट्रियों का धुआं चला हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं। अपने बड़ी ऐसा उल्टी उल्टी खबर आई है, आग लगाने वाले दो भाई। मैं आपका भाई इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वाना सफर। भैया आज हम इतनी दूर गए हुए हैं, यहाँ से बिल्कुल चीन की बॉर्डर 20 किलोमीटर दूर है और हम छोटी गाड़ी अपनी लेके गए पर्सनल। तो सुबह से चले थे और अभी पहुँचे हैं, देख सकते हो आप नदी के पास में खड़े हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बड़ी नदी है। तो आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं, जो आपने देखी होगी खाई होगी लेकिन आज तक वो तोड़ के नहीं लेके आए होंगे, लेकिन उस चीज़ का नाम है सलाजीत। तो दिखाते हैं आपको, वो बिल्कुल ऊपर थोड़ी सी नज़र आ रही होगी मेरी, जहाँ उंगली की नज़र पड़ रही है वहाँ पे। तो देखते हैं वहाँ पे जाते हैं, अगर हाथ आती है तो आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, काफ़ी मेहनत करते हैं भैया, देखेंगे या तो गिर जाएंगे या फिर तोड़ के आएंगे, दिखाएंगे ज़रूर आपको। काफ़ी भैया मेहनत की है, पहले तो इस नदी को पार किया है और ये यहाँ तक आने के लिए हिच जा रहा है। मैंने बोला भाई यहाँ तक तो आ, और अभी काफ़ी ऊंचा जहाँ पे आदमी नहीं जा सकता वहाँ पे सलाजीत लगती है। तो अभी देखते हैं सलाजीत को तोड़ते हैं या रास्ते में वापस आ जाते हैं, काफी ऊंचाई है अभी तक। आज बनते हैं डोन।
तो भैया जाने में बड़ी दिक्कत हुई थी, अगर कहीं पे हो सकता है पांव फिसल गया तो जिंदगी भी फिसल गई। तो ऊपर तो चला गया लेकिन लास्ट तक नहीं पहुंच पाया, सलाजीत जहां से होती है वहां नहीं पहुंच पाया। वहां सेफ्टी से ही लोग जाते हैं और सलाजीत को निकालने के लिए। मैंने दिखाना था लेकिन आपने सही नहीं देखा होगा, तो कोई बात नहीं। तो हम वापस सुरक्षित पहुंच गए नीचे, वापस आने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। ओके, ये भैया सलाजीत देख सकते हो कितना दूर है।